फ्रेंड्स, मैं ज्योति पाराशर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 10th क्लास में हमने यूनिट कर रहे थे, जो सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो अब हम उसे आगे करते हैं डॉक्यूमेंट्स व्यू के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसे मैं उसको और डिफाइन कर पाऊँ और आपको अच्छे से करा पाऊँ। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, डॉक्यूमेंट व्यू। अब यहाँ देखो बच्चों कि डॉक्यूमेंट्स व्यू में क्या कहता है, ये कहता है ओपन ऑफिस। जब हमने ऑफिस ओपन किया, राइटर ऑफिस ऑफर्स एंड द थ्री वे ऑफ टू व्यू डॉक्यूमेंट्स। क्या है, तीन वे हैं आपको उसके व्यू डॉक्यूमेंट्स के। दीज आर द प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट एंड फुल स्क्रीन व्यू। You can set any these view of the clicking on the view menu item and select the appropriate view and show below। देखो ये आपका स्क्रीन दिखा, किस पे आपने जो क्या था व्यू पे क्लिक किया। आपके पास ये है केस सेंसिटिव, आपके पास क्या खुला, एक बॉक्स खुला, डायलॉग बॉक्स खुला, तो इसमें क्या लिखा है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आपको टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, जो आपको चाहिए अपनी स्क्रीन पे वो आपको शो करा के देगा। बच्चे आपको शॉर्टकट कमांड भी याद रखनी है। देखो स्लाइड शेडिंग, ठीक है, तो क्या है कंट्रोल, क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस F8। समझ में आई, जो फील्ड शेडिंग की बात होगी वो क्या होगी कि वो कंट्रोल प्लस F8, और फील्ड नेम्स की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस F9 प्रेस होगा। नॉन प्रिंटिंग एंड कैरेक्टर, जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं, कंट्रोल प्लस F10। क्या है, देखो फील्ड शेडिंग की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस F8, जब फील्ड नेम की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस F9, एंड द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस F10। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो बच्चों, यहाँ पे जब डाटा रिसोर्स की बात की जाए, डाटा सोर्स की बात की जाए, तो हम उसके लिए F4 प्रेस करते हैं, और नेविगेटर की बात की जाए तो F5 का यूज़ करते हैं। अगर हमें विंडो की फुल स्क्रीन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस J, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस J की बात करते हैं। नेविगेटर के लिए F5, डाटा सोर्स के लिए F4, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो प्रिंट लेआउट के बारे में लिखा है कि प्रिंट लेआउट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू, यू कैन यूज़ द जूम स्लाइडर। क्या है, हम यूज़ क्या करते हैं, हम जूम स्लाइडर एडजस्ट एंड द मैग्निफिकेशन एंड व्यू एंड लेआउट आइकन इन स्टेटस बार। क्या है, जो आपके स्टेटस बार पे व्यू दिखता है ना, वहाँ पे चेंज पेज व्यू, हम पेज का जो व्यू है, जो उसका स्टाइल भी कह सकते हो कि हमें ऐसे डिज़ाइन में चाहिए, ऐसे डिज़ाइन में चाहिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चूज़ व्यू एंड जूम। ठीक है, हम क्या करेंगे, व्यू पे जाके जूम पे एडजस्ट व्यू एंड जूम ऑप्शन इन द जूम एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स। वो क्या कर लेंगे, डायलॉग बॉक्स से बच्चों हम उसको क्या कर लेंगे, ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और वही हमारी स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो जूम के ऊपर क्लिक किया तो देखो जूम एंड व्यू लेआउट, ये हमारे फैक्टर ओपन हुए। ठीक है, कि हमें पेज का जो साइज चाहिए, पेज फैक्टर 100% चाहिए, उसकी जो लेआउट होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, कि वो जो पहले से ही फिक्स है कि बर्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, टॉप से हमें पेज कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना है, तो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, हम सेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो क्या करोगे आप, ओके पे क्लिक कर दोगे। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे आपको ये भी नहीं, देखो यहाँ पे आप ऑप्टिमल करोगे या फिट वर्थ एंड हाइट की, तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे ना बच्चों यहाँ पे, तो आपसे साइज मांगेगा कि आपको कितनी हाइट वेट कितना चाहिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, वेब लेआउट की बात करें, वेब लेआउट इन द वेब, इन वेब लेआउट व्यू यू कैन यूज़ द जूम स्लाइडर बट द लेआउट एंड द आइकन आर डिसेबल्ड। क्या है, इन वेब लेआउट व्यू कैन यूज़ द जूम स्लाइडर बट द लेआउट आइकन आर द डिसेबल्ड। ठीक है,
अगर आप लैब उसके ऊपर जूम स्लाइडर के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे लेआउट जो आइकन है वो डिसेबल हो जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारी जो थर्ड है जो फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन के लिए हमने कौन सी कमांड यूज़ की थी अभी बताओ हमें। फुल के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जे, यही कमांड यूज़ की थी। जे क्या मतलब, हमारे में अगर हम कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं इसका मतलब हमारा जो पैराग्राफ होता है उसको दोनों तरफ से एडजस्ट करना बच्चों, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, अगर नहीं आता तो प्लीज़ मुझे लिख दीजिएगा। अब आगे बात करें तो हम किसकी बात करें, क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स। अब बच्चों आपको क्रिएट करना है और फिर उसको सेव करना है। क्रिएट कैसे करेंगे, जब हम ऑफिस खोलेंगे, मैंने ऑफिस के लिए आपको कमांड बताई थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑफिस खोलने के बाद आपका, तो हमारे ये क्या है देखो, ये हमारे टूल हैं, फाइल, एडिट, म्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल एंड विंडो। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि एमएस ऑफिस में जो आप जैसे 2009 यूज़ कर रहे हैं या 2010 है, उस ऑफिस के अंदर कितने नंबर ऑफ आपके जो डॉक्यूमेंट्स में कितने नंबर ऑफ टूल हैं, ठीक है। अभी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितने हैं, 9 है। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट बार जो होते हैं ना उस फॉर्मेट बार के अंदर, तो इंसर्ट में फॉर्मेट हो गया, टेबल हो गया, आपका टूल्स हो गया, विंडो हो गया, ठीक है। अब ये हमें क्या आइडेंटिफाई करके, देखो यहाँ पे न्यू पे जब क्लिक करोगे बच्चों, न्यू पे क्लिक करते टाइम आपकी क्या खुलेगी, नई विंडो खुलेगी, ठीक है, क्या खुलेगी, नई विंडो खुलेगी। तो जो न्यू डॉक्यूमेंट है, अगर आपको जब न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हुआ। कई ऑफिस के अंदर जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो बच्चों हमारा एट ए टाइम पे नई विंडो ओपन हो जाती है, बट सम जो हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन होगा और हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करके भी हम न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अगर ओपन करना है, देखो हमने काम कर लिया, वो सेव भी कर लिया हमने अपनी मेमोरी में, अगर मेरे को कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं कंट्रोल प्लस ओ या फिर ओपन पे क्लिक करके उसको क्या कर लूँगी, ओपन कर लूँगी इस फाइल को। समझ में आया, देखो बच्चों यहाँ पे भी आपकी शॉर्टकट कमांड है, देखो सेव की है कंट्रोल प्लस एस और सेव एज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है, ये समझ में आ रहा है क्या है, सेव की है कंट्रोल प्लस एस और सेव एज की है क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है आपकी, ठीक है। अब हम आगे बात करें, आगे कहता है कि यहाँ पे फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल एन, ठीक है, वही बताइए ना, प्रेस एन, न्यू डॉक्यूमेंट विंडो इज डिस्प्लेड, क्या हो जाएगी, वो डिस्प्लेड हो जाएगी। टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द वर्क एरिया, तो हम जो वर्क एरिया होगा, जो विंडो ओपन होगी, हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। समझ में आई ये बात। अब हम क्या करते हैं, अब बात की हमने, क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब क्या किया, अब ये कहता है कि उस डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, तो मैं सेव कैसे करूँगी, मैंने कहाँ गया, फाइल के गए ऊपर और मैंने किस पे क्लिक किया, सेव एज पे। देखो बच्चों आप ये पूछो, देखो सेव है, सेव ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो और शॉर्टकट कमांड क्या थी, सिलेक्ट कंट्रोल प्लस एस, जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो जिस डॉक्यूमेंट जो फाइल का आप नाम लिखोगे तो वो उस नाम से सेव हो जाएगी। और सेव एज में हम क्या ऑप्शन चूज करते हैं बच्चों, जो फाइल आपने सेव कर रखी है उस फाइल को दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे सेव करना, इट्स कॉल्ड ए सेव एज। समझ में आई ये बात, बट जब भी आप खोलोगे कोई भी सेव करने के लिए आपको ऑप्शन क्या ही ओपन होता है, सेव एज, ठीक है, हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना बच्चे, वो खुलता कौन सा ही है, सेव एज का। ये बात समझ में आई आपकी, देखो यहाँ पे विंडो ओपन हुई हुई है। ये पूछा है कि जब आप सेव कर रहे हो तो फाइल नेम, आपने अपनी फाइल का क्या नाम डालना है,
सेव एज ए टाइप, उस डॉक्यूमेंट्स का टाइप कैसा है। जैसे आपकी इमेज होती है जेपीजी फाइल की, जो हमारी जो डॉस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस फाइल से सेव होते हैं, डॉस से, डॉक डॉट डॉस से, तो यहाँ पे वो टाइप शो करता है। फिर हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। देखो ये रहा, सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चले। अब देखो बच्चों, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि टाइप द नेम ऑफ फाइल, फाइल नेम बॉक्स एज शो अबो। ठीक है, वो शो होगा। क्लिक द सेव ऑप्शन, कंप्लीट द प्रोसेस। नोट, बाय डिफॉल्ट ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट हैज़ ODT एक्सटेंशन, ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्या है ODF, क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन की एक्सटेंशन है, मतलब उसकी हम उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन है। बच्चे क्या है ये .ODT, ये क्या है, हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन की हमारी एक्सटेंशन है जिसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब किसकी बात करें, क्लोज डॉक्यूमेंट की, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या करता है, क्लिक द फाइल ऑप्शंस फ्रॉम मेन्यू बार ए सब मेन्यू ऑप्शन। क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सब मेन्यू प्रेस करेंगे, फिर क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, फिर ए डॉक्यूमेंट्स वॉज सेव्ड अर्लियर राइट वाइल आस्क यू डू सो दे ए डायलॉग बॉक्स अपियर इन ए शो बिलो। देखो ये हुआ, आपका शो हुआ। ये कहता है कि जो आपने क्या किया, जिसका टाइटल आपने चेंज किया है, मॉडिफिकेशन किया है, क्या आप उसे सेव करना, सेव चेंज करना चाहते हो? हाँ हम करना चाहते हैं, तो यस सेव, सेव पे ऊपर क्लिक कर दोगे। जो भी आपने फाइल में मॉडिफिकेशन की है, जो मनाई है, तो वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको बच्चों। अब क्या है यहाँ पे, देखो अब क्या किया आपने, यहाँ पे सेव भी कर दी, क्लिक द सेव यू वॉन्ट टू बी द सेव ए डॉक्यूमेंट, डिस्कार्ड टू क्विट एंड सेविंग एंड कैंसल टू द अब्रॉड एंड क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड द कंटिन्यू वर्किंग। जब अगर आपको वो सेव नहीं करते हो, डिस्कार्ड कर देते हो या कैंसिल कर देते हो, तो वो क्या करोगे, आप उसी डॉक्यूमेंट्स पे चले जाओगे और वो ये कहेगा कि आप कंटिन्यू उस फाइल पे वर्क कीजिए। ठीक है, ये आप क्या है, एग्जेक्टिंग राइटर। ये कहता है स्लिप द फाइल ऑप्शन, क्लिक द फाइल ऑप्शन मेन्यू बार में करोगे, फिर एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रेस एग्जिट के लिए क्या करते हो, Ctrl+Q। एग्जिट के लिए क्या करोगे, Ctrl+Q। ये बात समझ में आई है आपको, है बच्चों, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, आई होप सो, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आप ही देखो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो बुरी हो, पर कंप्यूटर की भाषा में है ना, रियली बताएं तो हम नहीं समझ पे पाते कि किसकी किसकी राइटिंग अच्छी है किसकी नहीं है, क्योंकि उसकी तो पहले ही फिक्स होती है लैंग्वेज, आप जिस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो एरियल भाषा में लिखनी है या टाइम रोमन में लिखनी है, तो नंबर ऑफ फाइल्स वो लैंग्वेजेस आर गिवन दैट यू मॉडिफाई द योर टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आप भूल जाओ, तो आपको ये चीज़ें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी जब एज ए प्रैक्टिकल आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, देखो राइट विल बी द क्लोज इफ़ यू हैव सेव द डॉक्यूमेंट्स एंड द अदरवाइज यू विल बी द प्रमोटेड। क्या करोगे, प्रमोटेड टू, डू यू वॉन्ट टू, Do you want to be changed? To save your changes and like click save, otherwise click discard or cancel. ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो, क्योंकि ये पहले भी बात ऊपर हुई थी और ये अभी भी यही बात है। अगर आपको सेव करनी है तो सेव पे क्लिक कीजिए, अगर आपको डिस्कार्ड करना है, आपको और वर्क परफॉर्म करना है, तो आप वहाँ पे वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओपनिंग एंड एग्जिटिंग एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट्स। जब आपने जो आपने फाइल क्या की थी, सेव कर दी थी, उस फाइल को हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन के लिए क्या कमांड थी बच्चों, Ctrl+O।
ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। अब क्या है देखो, क्लिक करोगे किस पे, फाइल ऑप्शन पे, फिर वहाँ जाओगे ओपन पे, और वहाँ पे क्लिक, ओपन पे करने के बाद ये हमें ऊपर स्क्रीन ओपन होगी। तो ये पूछेगा कि आपकी जो फाइल थी वो किस में सेव थी, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे सेव की थी, रिसेंटली में की थी या डॉक्यूमेंट्स में की थी, वो बताएगा। अगर हमने डेस्कटॉप पे शो की थी तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और वो फाइल चूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। और हम किस पे क्लिक करेंगे बच्चों, चूज़ करने के बाद मतलब उस पे हम क्लिक कर देंगे, फिर हम ओपन पे क्लिक कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। टाइप ऑफ नेम ऑफ फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन द ओपन बटन, ओपन करने के बाद, समझ में आई। आई होप सो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और जिनके पास लैपटॉप है तो मैं ये कहूँगी प्लीज़ आप इसको कमांड, इसको जो भी आपको कराई जा रही है, दो वीडियो गई हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो वर्ड प्रोसेस से रिलेटेड है, तो आप इसको करके देखिएगा कि जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।